तुम्हें ऐसे बातें कर रही, मुझे बहुत हंसा आ रहा है, इतना हंसा आ रहा है कि पूछो मत। अभी इस वक्त में ये क्लाइमेट में ये मौसम में आपको हमें थोड़ी जुमायेंगे दुला दुल्हन भाई नौशा रस बोलो तुम्हें कैसा करके बोल को। अब आप ये मौसम में आपको ऊटी को जाना, ऊटी को जाने के बाद हनीमून बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। बेटे शौक अरमानदा अरमान अंदर से नहीं से शौक पैदा हो पाती है, लेकिन क्या करना सा बच्चे ज्यादा होगी तो बच्चांग ने बीवियां देख रख बैठती है बेटा। अभी देखो तो कांग तो हाँ कांगर को बोल को जाना, कार बोल को रहना बोलो। अब मैं YouTube का चैनल में आपको थोड़े वीडियोस बनाने के लिए इधर उधर जाती फिरती करती है। अब तुम्हारे बात में से देखो अब क्या तो बोलत की थी क्या ऐसा बोलते हैं अहमद भाई करती है, हर बात से भी आपको खुशी के लगा खड़ा कर डालती हूँ। ये सबसे बड़ा बड़ी मुश्किल की घाटी है। और एक बात कहते मुझे बातें भी करने नहीं आती, तुम्हारी बात इससे नहीं हंसी आ रही यार। तूने नया दूल्हा है, नई दुल्हन को लेके जा और अरमान करा और शौक से फिर और बहुत एंजॉय करो तुम्हें। तुम्हारी उम्र आपको 26 साल है, तुम्हारी वाइफ की उम्र आपको अभी 20 साल है, माशाल्लाह एंजॉय करो। हमें हमारा सब कुछ हो गया है लेकिन अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आजकल नौजवानों से भी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे शौक में ही। मगर क्या रहेगा तो बोलो तो बच्चों को छोड़कर शोहर बीवी मिलकर हमें कहीं भी जाने के लिए हो नहीं सकता है, समझे नहीं। अगर से तुम्हें इतनी शौक है तो एक शादी और कर लो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बच्चों को देखना अपना परिवार देखना करती मेरी बीवी। इसीलिए बूढ़े जब बूढ़ी वाला मिल जाए कहीं को बैठा है एक को संभाल ले तो बस वो बोलते देखे एक बीवी की रात बड़ी सुकून की रात, दोवीं बीवी की रात खिटपिट की रात, तीनवीं बीवी की रात सकरात की रात, चारवीं बीवी की रात जनाजे की रात करके बोल को मसला बोलते यानी हंसने। ऐसा हो जाता फिर किस्सा जो है हमारी हालत है वहाँ तक बस मेरे बच्चे क्या बोलते हैं हाँ तुम्हें ऊटिक जाती कि हनीमून बनाती कि तुम्हें कहाँ जाती कि किधर फिरती कि यार रब्बुल आलमीन जाओ फिरो एंजॉय करो। मगर मैं क्या करूँ आँखें तुम लोगों को धोना क्या हुआ आँख को मई। इसलिए मंजे क्या है जो तनहाई अकेले की ज़िंदगी अब फिलहाल बाहर आ गया मैं तो मुझे बाहर ही रहने दो थोड़ी दिन के लिए, बस एक 4-5 दिन फिलहाल आपको कुछ भी बोलना नहीं क्योंकि मैं पेशेंट आँख देखने जाता हूँ, उनको देखने के बाद ही मैं क्या तो भी बात करूँगा इंशाल्लाह बिज़्निल्लाह। और एक बात कहते हैं हाँ टी टाइम मैं अब टी का मतलब चाय का वक्त हो गया, सब चाय पी रहे आप लोग भी पियो। यहाँ का क्लाइमेट यहाँ का मौसम इतना प्यारा है कि पूछो मत, मुझे हंसाना मत यार, मुझे हंसाएंगे ना सच में जाकिर भाई, मैं क्या पता नहीं मैं तो बर्बाद से इतना हंस दिया इतना हंस दिया। मेरा पेट कच्चा मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते मुझे हंसाना मत, मेहरबानी होती जाओ जाके घूमो फिरो एंजॉय करो ओके। तो क्या तो कभी पीछे तो फ़ोन कर दे एक बार ओके। तो मेरे को ऊटी में भी है मेरे दोस्त, बैंगलोर में भी है, मैसूर में थी, कहाँ केरला में बोल जहाँ भी बोल इंशाल्लाह जा फ़ोन कर, क्या तो भी बात है तो अनखरीब इंशाल्लाह ऑनलाइन में काम निकालेंगे ओके। क्या तो चीज़ों की ज़रूरत है और क्या किस्सा, और सब सुनाना जाकिर भाई अपना ख्याल रखने का और शौक़ से रहने का और कहीं भी आलतू फालतू जाने का नहीं, बेहयाई से बचने का, बुराई से बचने का, बुरे कामों से बचने का और जतन अपना ख्याल, क्योंकि नए दूल्हा दुल्हन कर बोले तो ये खुशबू के कल्याण में अब खुशबू उठ रही, उस खुशबू को दबा दबा के कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है हिसाब से रहने तो दूसरे अटैक करते हैं ओके। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, थैंक यू।